कैमरा एक्शन। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। वैसे तो आप मुझे कांग्रेस की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक के तौर पर जानते हैं, परंतु आज मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक या किसी नेत्री के रूप में यहां नहीं हूं। आज मैं गेस्ट एंकर के रूप में आपके बीच में हूं और आज हम चर्चा करेंगे देश के सबसे ज्वलंत मुद्दों पर। और चर्चा के लिए आज हमारे बीच में मेहमान है मोहम्मद फैज खान जी, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं और 30 महीने के अंदर 15,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा इन्होंने भारत की है। दूसरे मेहमान के तौर पर आज हमारे बीच में है फाजिल अहमद जी, जो कि आज एक मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे बीच में है। वैसे जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी जाने जाते हैं। और आज हम देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ तीखे रहेंगे और इन सवालों से इनके जवाब मांगेंगे। साथ ही साथ एक डिबेट है, परंतु डिबेट शांतिपूर्वक रहे इसकी मैं आशा करती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा सीए, एनआरसी और एनपीआर पर है, क्योंकि आज देश के अलग अलग हिस्सों में लोग एकत्रित हो रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसा रूपी अहिंसा पूर्वक आंदोलन है, अहिंसक आंदोलन उन्हें हम कह सकते हैं, जिसमें हिंसा का कोई रूप हमें अभी तक देखने को नहीं मिला और उम्मीद करते हैं कि देश के किसी कोने पर ऐसा कोई दौर हमें नहीं देखने को मिलेगा। और सीए, एनआरसी और एनपीआर, जिसको लेकर लोगों के मन में दुविधाएं भी हैं, सवाल भी हैं, कुछ लोग अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, कुछ लोग इसका हार्दिक सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं मोहम्मद फैज खान जी से पूछना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर? आज हम देखें तो देश का जो मॉमडन है, कहीं ना कहीं लगता है किसी इलाके में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, तो चाहे मुस्तफाबाद हो गया, बाबरपुर हो गया, रोहतास नगर हो गया, जो देश के ऐसे दिल्ली के जो ऐसी जगह है जो मॉमडन जहाँ ज्यादा रहते हैं, वहां पर जगह जहां पर औरतें बच्चे बैठे हुए हैं कैंडल्स लेकर आंदोलन कर रहे हैं, रात रात भर बैठ रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है इन लोगों के मन में जो सवाल है, क्या वो जायज नहीं है, या एनआरसी लागू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एनपीआर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुस्लिम समाज एजुकेशन में सबसे पीछे है, तो इन्हें वर्गलाना बहलाना इन नेताओं के लिए बड़ा आसान होता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने यही इस्लाम खतरे में है नारा देकर भारत के दो टुकड़े कर दिए मुसलमानों को बहकाकर। मुसलमानों को अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए था। आज भी ये कुछ राजनीतिक दलों की कठपुतली बने हुए हैं, टोपी पहन के आते हैं, अवतार पार्टी करते हैं, मुसलमान सोचते हैं ये हमारे सच्चे ही तैशी। राहत इंदौरी ने इन लोगों के लिए कहा है, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफतारी समझता है। तो मुसलमानों को राहत इंदौरी जी ने यह भी कहा है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे यह प्रश्न ही नहीं है कि किसके बाप का हिंदुस्तान है नहीं है, प्रश्न है कि तुम्हारा बाप हिंदुस्तानी है कि नहीं, यहाँ पे यह प्रश्न है ना। तो अगर यहाँ पे एक सेकंड, मेरा सवाल एनआरसी का जहाँ तक प्रश्न है, मुसलमान इसलिए बैठे हुए हैं कि उन्हें सीएए, एनआरसी, एनपीआर का ज्ञान नहीं है। जो राजनेता उन्हें बता रहे हैं, जैसी उन्हें कठपुतली बना रहे हैं, वो लोग कठपुतली बन रहे हैं। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो पीड़ित अल्पसंख्यक लोग हैं, आज भी हिंदुओं को वहां पर केवल और केवल स्वीपर की पोस्ट में रखा जाता है। दानिश कनेरिया बड़ी मुश्किल से ऊंचे पद पर पहुंच भी जाए तो वहां के बाकी क्रिकेट टीम के सदस्य उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते। यूसुफ योहाना को धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। मेरा काउंटर क्वेश्चन, ऐसे पीड़ित लोगों को मैंने यहां पर लाने के लिए है, भारत के मुसलमानों को भगाया जा रहा है, ये सब गलत फहमियां फैलाई जा रही है। नहीं, ठीक है, आपने कहा कि सवाल ये है कि उसका बाप हिंदुस्तानी है या नहीं। राहत इंदौरी जी, नहीं नहीं, तो आपने कहा, तो ये बताइए मेरे बाप का नाम मोहम्मद इस्माइल खान है, मैं, मेरे दादा का नाम मोहम्मद इब्राहिम खान है, मेरे मेरे उनके अब्बा का नाम मोहम्मद वजीर खान है। मेरा सवाल सुनिए, आप देखिए, मैं तो एंकर हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपको जवाब देना है। सवाल ये है कि नहीं, बाप हिंदुस्तानी है कि नहीं, ये सवाल अगर है बेशक, तो अगर अगर जितना सुनिए ना, सवाल नहीं, देखिए मैंने नहीं, एक सवाल, उसको तो यहाँ रहने नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज कि मैं अगर सवाल पूछ रही हूँ तो सवाल पर फोकस करके आप जवाब दें, मुझसे डिबेट ना करें, मैं डिबेट करने नहीं बैठी हूँ। मेरा प्रश्न सीधा सीधा है कि अगर बाप हिंदुस्तानी नहीं है अगर किसी का, जो आप बोल रहे हैं, तो जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, सीधी बात है, बाप तो हिंदुस्तानी होगा, लेकिन अगर उसके पास कागजात नहीं है, जैसा कि आपने कहा मुस्लिम लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, पिछड़े लोग भी हिंदुस्तान में कम पढ़े लिखे हैं, तो अगर उनके पास उनके कागजात नहीं है, तो क्या उन्हें हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता इख्तियार कर देंगे एनआरसी लागू करके? बेशक ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जो कह रही हैं कि और सीए के, और एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं लोगों को कि सीए का मतलब है कि सीए मोदी शासन में लागू होने से
भारत का, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का और पाकिस्तान का जो अल्पसंख्यक है वो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के भारत की नागरिकता ले सकता है, लेकिन भारत के नागरिकों को नागरिकता लेने के लिए चाहे वो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, अगर एनआरसी और एनपीआर लागू होता है तो उनको बाप दादाओं के जन्म स्थानों सहित अनेक सबूतों को सत्यापित करना पड़ेगा। और ये जो आपने बात कही मोहम्मद फैज जी, आप कह रहे हैं कि सीए के बारे में लोग जान नहीं रहे हैं, ठीक है, आपकी बात मैं पूरी तरह से मान रही हूँ कि सीए एक ऐसा एक्ट है जो भारत भारत के अंदर अगर नागरिकता चाहिए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे देगी। आपने कहा पीड़ित लोगों को, जो पीड़ित शरणार्थी होंगे, तो क्या पीड़ित शरणार्थी सिर्फ अल्पसंख्यक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का है? कोई पाकिस्तान का मुसलमान क्या पीड़ित अल्पसंख्यक नहीं हो सकता? क्या पीड़ित नहीं हो सकता? क्या शरणार्थी नहीं हो सकता? तो मैं पूछना चाहती हूँ क्यों धार्मिक आधार पर आप भेदभाव करने का ये काम कर रहे हैं? क्या इससे देश के अंदर इस तरह की जो कटुता की भावना है क्या वो बढ़ेगी? नहीं, इस पर मैं आऊंगी आदरणीय फाजिल अहमद जी साथ में, आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, उसके नाते आप क्या समझते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश के साथ साथ, गुस्से के साथ साथ एक तरह से मुझे सहमे हुए दिखते हैं आज के लोग, असुरक्षित महसूस कर रहा है देश का नागरिक देश में, तो क्या ये जायज है कि हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तान का ही नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है? देखिए, जिसको नमाज से प्रॉब्लम, जिसको अफतारी से प्रॉब्लम, तो उस मुसलमान कितना मुसलमान के बारे में सोचेगा? हम तो इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। जो कुछ ही लोग कह रहे हैं ठीक है, इनको मुसलमान से क्या लेना देना है? ये फजील अहमद नाम हो जाने से मुसलमान नहीं होते, काम से मुसलमान होते हैं। रहा सवाल की देश संविधान से चलेगा या किसी की मर्जी से चलेगा। आर्टिकल 21 में मूल प्रस्तावना को आप नहीं चेंज कर सकते। आर्टिकल 21 में साफ लिखा है कि विदेश से आने वाला भी कोई नागरिक यदि हमारे भारत में आता है तो उसके साथ जात, धर्म, मजहब का लिंग भेद नहीं कर सकते। तो हम जब नहीं कर सकते तो आपको मानना पड़ेगा कि आप नहीं करना है आपको। आपने क्यों उसमें मुसलमान शब्द हटा दिया? आपने सबको दिया तो मुसलमान जोड़ देते। यदि जोड़ भी दिए तो आप सीधे सीधे कोई भी नागरिक, 6 साल पहले 11 साल था, अभी 6 साल कर दिए। और जहां तक महाजिर को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू का अत्याचार हो रहा है, कि आपने 6 साल में कितना अत्याचार हुआ, आप किसी की मदद किए हो तो बता दीजिए। 650 हिंदू मधेसी नेपाल में मारे गए। एक मिनट, 650 मधेसी नेपाल में मारे गए। एक भी सरकार का नुमाइंदा उनके लिए वेलफेयर का काम किया, उनको सपोर्ट करने का काम किया, नेपाल सर पर दबाव बनाने का काम किया? 10,000 से ज्यादा नेपाली लोग अपना धंधा बंद करके इंडिया में आज बेरोजगारी की जिंदगी जी रहे। इनको हिंदू से प्यार है, इनको अपनी सत्ता से प्यार है। ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने के लिए आज 1 साल भी महाजिद कौमी मूवमेंट का अल्ताफ रजा, पाकिस्तान का अल्ताफ रजा, जो हिंदुस्तान से गया हुआ मुसलमान जब पाकिस्तान में जाता है उसकी कोई पार्टी नहीं, वो कोई लीडर चुन नहीं पाता, उसको इलेक्शन में फाइट नहीं करने दिया जाता, वो इतना प्रताड़ित है। महाजिद कौमी मूवमेंट का अल्ताफ रजा लंदन में छिपा हुआ है, पिछले 6 साल से 10 साल से वो भारत में आने की परमिशन चाहते, लेकिन ये लोग परमिशन नहीं दे रहे। आप किसको दिए परमिशन? जिसका बाप ने भारत के एयरफोर्स के अफसर होकर के भारत पर हमले किए, उसके बेटा को आपने दिया उसको? अहमद जी, मैं रोकूंगी आपको। 31 अगस्त 2019 एनआरसी की आखिरी लिस्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में जारी की गई, जिसमें 19,06,657 लोगों के नाम शामिल नहीं थे। इसमें लगभग 3 लाख मुसलमान थे, लेकिन 16 लाख से ज्यादा हिंदू बहुसंख्यक, पिछड़े, गरीब, दलित, आदिवासी और वनवासी लोग शामिल थे। तो क्या ये एनआरसी, एनपीआर क्या केवल मुसलमानों के लिए ही, जो मुस्लिम आज बैठे हुए उन्हीं के लिए घातक है, या हो सकता है कि जो बहुसंख्यक हिंदू है उसके लिए भी घातक साबित हो सकता है? यह आज जानने का प्रश्न है। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगी कि अगर मोदी सरकार ने ये बात मुसलमान शब्द को लगाकर बोला सदन के अंदर कि इनके अलावा जो अल्पसंख्यक रहेंगे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के, तो मुझे आप बताइए, एक सवाल मेरा आपसे है फैज खान जी, कि अदनान सामी जिसको नागरिकता दी 2016 में मोदी सरकार ने, वो सिंगर हैं, पाकिस्तान से थे, उनके पाकिस्तान के नागरिक थे पहले, उनके पिताजी पाकिस्तान के डिप्लोमेट रहे, वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के चीफ भी रहे, और उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट की भूमिका निभाई। 1965 के युद्ध में जो युद्ध हुआ उसमें हिंदुस्तानी सैनिकों के ऊपर अनेकों बम, उनके एयरफोर्स का जो प्लेन होता है फाइटर प्लेन, उससे बरसाए गए, अनेकों सैनिकों की मौतें हुई, मौत के घाट उतरे, और उन्हीं अदनान सामी को नागरिकता देने तक तो ठीक था, उसके बाद 2020 में 26 जनवरी को पद्मश्री अवार्ड दे दिया। आप मुझे बताइए, पद्मश्री से सम्मानित कर दिया, तो वो भी तो पाकिस्तान के मुसलमान है, वो तो शरणार्थी और पीड़ित भी नहीं है?
आप उनको नागरिकता दे सकते हैं, मगर अगर पाकिस्तान में कोई मुसलमान ऐसा है जो पीड़ित हो जाता है, जो शरणार्थी है, जो कि मानव अधिकारों के अंदर ये बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में नागरिकता ले सकता है अगर वो अपने देश से परेशान है, तो क्या ये मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं? और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अदनान सामी की बात पर? मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अध्ययन का अभाव है आपके अंदर। अच्छा, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 जो संविधान का भाग 2 है उसमें, मैं संविधान पढ़ने नहीं बैठी हूं, आप बहुत सारे अदनान सामी है, आपने अध्ययन नहीं किया है। अरे आप अध्ययन कर रहे हैं ना। अदनान सामी को नागरिकता जो दी गई है वो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत जो नागरिकता के विभिन्न प्रावधान है उसमें लिखा है कि जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट है बिल्कुल दे सकते हैं। विश्व के किसी भी व्यक्ति को यदि वो भारत की नागरिकता की लड़ाई करता है तो अनुच्छेद 500 नहीं कही, अभी कहा कि मैंने चालू नहीं की, आपने अपनी बात, अभी मेरी बात आप सुनिए। अनुच्छेद 5 से 11 के तहत विश्व का कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, उसी के तहत अदनान सामी को नागरिकता दी गई है, इसका सीएए से कोई लेना देना नहीं है। सीएए में पीड़ित अल्पसंख्यकों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोग हैं, तो क्या उसमें मुसलमान पीड़ित नहीं हो सकता? आप ये बताइए, क्या मुसलमान पीड़ित नहीं हो सकता? आपने धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाया था, धर्म के आधार पर बनाया, तब आपने क्या कहा था? मैं मतलब क्या हिंदुओं के साथ हमारे हित सुरक्षित नहीं है? आपने क्या कहा था काफिरों को मत करो? 16 अगस्त में डायरेक्ट एक्शन दिया, पहली बात आप मुझे पाकिस्तान में बनाया था, मैं कहना चाहता हूं आप किस मुसलमानों को कह रही हैं कि मुसलमान बनाया गया है? नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, तो हिंदुस्तानी मुसलमान वो भी है। 16 अगस्त जिन्ना में बैठा है, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, हो गई आपका कतल, नहीं हुआ था, नहीं हुआ, सच्चाई आपको सुनना पड़ेगा। 16 अगस्त को जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाकर हिंदुओं का कत्लेआम किया था, धर्म के नाम पर पाकिस्तान मांगा था और उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो काफिरों के राष्ट्र, आप काफिरों के राष्ट्र में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हो? फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आपने क्यों बनाया? धर्म के नाम पर आप सुनने की क्षमता रखिए, जमीन लेकर आइए, शिया आना चाहते हैं, अयोध्या आना चाहते हैं, मुसलमान आना चाहते हैं, पाकिस्तान की जमीन लेकर आइए। मैं ज्यादा समय नहीं दे सकती, प्लीज पहली बात, आपने पहली बात कहा, मैंने भी पहली बात सुना, नहीं मैंने सुन लिया, यहाँ पर बोले आपने पाकिस्तान बनाया, बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा किसी अहमदिया, किसी शिया, किसी मुसलमान, यदि मुसलमान है आई कैन नॉट अलाउ दिस, जमीन लेकर आई कैन नॉट अलाउ दिस, सॉरी मैं इस तरह की बात, आई एम नॉट अलाउइंग दिस, दिस इज नॉट द ट्रुथ, यू आर नो नॉट एट ऑल, ये सत्य नहीं है, सत्य ये है, आपके कहने से सच सच नहीं होता, आपका चश्मा बदलिए सर, सच ये है आज हिंदुस्तान में, इनको समझ में आना चाहिए, आप प्लीज लेट मी फिनिश, आई एम द एंकर, नॉट योर, नो प्लीज स्टॉप इट, यू हैव, नो यू हैव कंप्लीटेड योर आंसर, लेट मी जस्ट डू माय वर्क, यू आर डूइंग माय जॉब, यू जस्ट डू योर जॉब। द थिंग इज, आपको ये समझने की आवश्यकता है, देश की जनता है, देश की, आपको फिर आप भी एक लाइन में जवाब दीजिए, समझने की, प्लीज प्लीज बिहेव सर, प्लीज बिहेव, प्लीज बिहेव, आज समझने की यह आवश्यकता है देश की जनता को कि आज किसी भी, अगर आज मैं एंकर के तौर पर हूं तो यहां पर एक पत्रकार के तौर पर हूं, तो कोई भी व्यक्ति मुझे ये नहीं कह सकता कि आपने ऐसा किया क्योंकि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं गर्व से कहती हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई एक लफ्ज बोल, मैं अपना प्रश्न बोल रही हूं सर, प्लीज, तो कोई भी व्यक्ति सर प्लीज ना, आप अपने व्यू रखने बैठे हैं, दिस इज द प्लेटफॉर्म, तो प्लीज लेट मी फिनिश, नो यू कैन नॉट स्टॉप मी, आई एम सॉरी सॉरी सर, सॉरी बिहेवियर, मुसलमान है और उसे भी हिंदुस्तान के हर अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिला हुआ है, लेकिन हुआ है। लेकिन आप तोड़ने और भड़काने की बात सर यहां कैमरे पे ना करें, हम अलाउ नहीं करेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में जो स्थिति है उसमें इस तरह की भड़काऊ की जिस तरह की, चाहे वो अदनान सामी की बात हो,
चाहे वो अदनान सामी की बात कहते हैं, ये कहते हैं कि इनका, ये कहते हैं संविधान में ऐसा लिखा है कि पाकिस्तान में अगर कोई डिप्लोमेट है तो उसको तो हम नागरिकता दे देंगे। संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा और हमने तो कभी ये कहा है। आप देखिए, दूसरी चीज, किसी के अध्ययन पे उंगली उठाने से पहले आप खुद अध्ययन कीजिए क्या बोल रहे हैं। तो आप सामी को नागरिकता सीए के तहत नहीं दी गई। ये किसने बोला, किसने बोला? किसी ने नहीं बोला कि सीए के तहत नागरिकता दी है। हम कहते हैं क्यों दी है, क्यों दी है नागरिकता? क्या वो पीड़ित थे, क्या वो शरणार्थी थे? नहीं थे। लेकिन मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा, हम बात करेंगे, हम बात करेंगे। तो क्या पीड़ित मुसलमानों के लिए है सीए? क्या सीए पीड़ित मुसलमानों के लिए है? नहीं है ना सर, नहीं है ना सर। स्टॉप इट, दिस इज द फिनिश, दिस इज द फिनिश लाइन। नहीं है, समझने की बात ये है, समझने की बात ये कि फाजिल आप एक मुस्लिम स्कॉलर है, आप एक मुस्लिम स्कॉलर है। इनका कहना है पैसखान जी का कि इन्होंने कहा कि संविधान के तहत ऐसा है, सीए के अंतर्गत उनको नागरिकता नहीं दी गई है, जो कि सबको पता है कि सीए के तहत नागरिकता नहीं दी गई है। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि इस तरह की बात कर रहे हैं, सीए के तहत नहीं दी गई है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता है। मगर प्रश्न ये है कि अगर जो व्यक्ति पीड़ित नहीं है उसे आप नागरिकता दे देंगे, तो अगर कोई पीड़ित मुसलमान है क्यों उसे नागरिकता से वंचित किया जा रहा है? मुसलमान साहब देखिए, हम लोग भोजपुरी के रहने वाले हैं, पूर्वी प्रदेश के। वहाँ एक कहावत है कि झूठ बोल के दुदा देना, दुदाना समझते होंगे, झूठ बोल के उस पर पानी फेर देना। ये लोग गोडसे के लोग हैं, ये लोग गोली की बात करते हैं। हम लोग गांधी के लोग हैं, हम लोग गोली खाने की बात करते हैं। हम मर के भी एक, आज गांधीवाद नहीं मर सकता, गांधी 100 मर सकते हैं पर गांधी के विचार कभी नहीं मर सकते। ये जोर से बोल देने से झूठ सच नहीं होता, चिल्ला चिल्ला के बोल देने से एक आवाज़ किसी की आप दबा नहीं सकते। देखिए, समस्या ये नहीं है, इनकी एक अलग मानसिकता है। ये संविधान से देश नहीं चलाना चाह रहे, ये मनुवाद से देश चलाना चाह रहे, ये मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। ये मुसलमान ओबीसी पिछड़ों को भी ये दबा के रखना चाहते हैं, ये जूता साफ कराना चाहते हैं, खेत में गोबर फेंकवाना चाहते हैं। इससे ऊपर इनकी सोच नहीं है। महिलाओं के बारे में भी, महिलाओं के बारे में भी उन्होंने कहा, महिलाओं के बारे में इनके आरएसएस प्रमुख ने कहा कि महिला का काम है पति की सेवा करना। नहीं नहीं, एक चीज और पूछो, आरएसएस ने, योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए थे चुनाव प्रचार कर रहे थे, पूरा बताने दे ना, बस मैं इसके बाद आपको इसी सवाल पे पूछ रही हूं, तो आप उसमें ऐड कीजिएगा अपनी बात कि जब दिल्ली उन्होंने चुनाव प्रचार किया तो उन्होंने दिल्ली आने से पहले भी कई ऐसे बयान दिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो है चौराहों पर खड़ी हैं और पुरुष चद्दर ओढ़ के सो रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा, जितने भी ये आंदोलन कर रहे हैं शाहीन बाग की महिलाओं को लेकर, उन्होंने कहा कि 500-500 रुपए में महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं। इस तरह की व्यंग करना महिलाओं के ऊपर, तो क्या आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि शाहीन बाग कई चैनल्स पे भी शाहीन बाग को लाइव दिखाया गया, कई बड़े न्यूज चैनलों पे नेशनल, तो उसमें तो दिखा कि जो महिलाएं वो पूरी तरह जानती हैं सीए और एनआरसी के बारे में, लेकिन उसके बावजूद योगी, मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूं, सॉरी, तो इन्होंने कहा योगी जी ने कि 500-500 रुपए में महिला बैठी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करना कहां तक जायज है? देखिए, ये तो असंस्कारिक लोग हैं, इनकी बात का हमें बुरा नहीं लगता, ये तो कुछ भी बोलते हैं और इतना नटीस बोलते हैं। हम तो 89 में सुनते थे कि मुसलमानों दो ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, तभी भी हम सुन के चुप रहे, हम कभी इनका जवाब नहीं दिए। हमने अपने संस्कार से, अपने, हम गांधी के लोग हैं, हम सुन के संयमित, हम बर्दाश्त करते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते। ये कहते रहे हम गांधी के देश में, गांधी के संविधान से, बाबा अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा, ये चिल्लाते रहे पाकिस्तान जाओ, क्यों पाकिस्तान जाएंगे? अगर इस देश के नागरिक हैं, किसी के एहसान से नहीं है, किसी की मोहब्बत से नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान से है, और संविधान हमको आखिर मरते दम तक हमारा कोई नागरिकता नहीं छीन सकता। हम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और उसकी बात नहीं है। रहा सवाल इनके एग्रेशन का, तो मैंने कहा कि ये गोली मारने वाले लोग हैं, ये बदतमीजी करने वाले लोग हैं, ये गैर संस्कारिक हैं। गृह मंत्री उंगली दिखा के पार्लियामेंट में एक एमपी को कहते कि ए चुप चुप चुप, अरे क्या भाषा भाई, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या है? आज क्यों हम ईशा कह रहे कि हम शाहीन बाग के लोगों से बात करना चाहते हैं? क्यों करना चाह रहे भाई, मत बात करिए, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो मुसलमान है। अरे मुसलमान है आप, ये मुसलमान ये दबाए कुचले 70, आज भी इस देश के अंदर अगर भारत बंद होता है 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। आज हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के अंदर पूरे देश के गरीबों के सूखा और बाढ़ जिस साल आती है उस साल हमारी बेटियों के हाथ पीले नहीं होते हैं, किसान अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते हैं जिस साल बाढ़ और सूखा आता है, और ये क्या करें, ये नागरिकता में फंसे हैं। अरे हम चाहते हैं उन मासूम, कांग्रेस के 70 साल के इतिहास में हमको भी बहुत पीड़ित है, हमको भी उनके तरीकों से तकलीफ थी, 14 में हम लोगों ने मोदी जी का साथ भी दिया था, ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी हम लोग को नहीं जानते, लेकिन आप सरकार में आए, आप उन चीजों को जो कांग्रेस नहीं कर पाई,
आप सूखा और बाढ़ का इलाज खोजते, बिजली के लिए इन लोगों ने, जब हमारे मनमोहन सिंह ने जब बिजली का कारखाना लगाने, एटॉमिक एनर्जी से बिजली कारखाना लगाने सरकार गिराने का षड्यंत्र इन लोगों ने किया, उन्होंने क्या विकास के काम में कभी सहयोग नहीं किया, हमेशा डिस्ट्रक्टिव माइंड है, नेगेटिव माइंड के लोग हैं। अगर अमित शाह जी आकर आपसे बात करना चाहते हैं तो वहां के दो लोग कह रहे हैं कि आप आइए बात कीजिए, आप कह रहे हैं नहीं नहीं हम भी कह रहे हैं आप बात करिए, हम तो कह रहे हमको तो तकलीफ इसी बात की है, लेकिन अमित शाह एनआरसी को लेके आपका एक क्या एजेंडा है, आप क्या चाहते हैं? अमित शाह को हम अमित शाह को भाजपा का नेता नहीं समझते, हम अपना गृह मंत्री समझते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा गृह मंत्री हमको सुने। देखिए प्रोटेस्ट क्या होता है, प्रोटेस्ट होता है जैसे अबोध बालक, नौनिहाल बालक जब चिल्लाता है ना तो माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा भूखा है, इसी तरह जनता जो है ना वो अबोध बालक की तरह है, वो प्रोटेस्ट करती है, तो मां रूपी सरकार को समझना पड़ेगा कि इनकी तकलीफ क्या है, उसको सुनना पड़ेगा। आप एनआरसी पे क्या चाहते हैं एग्जैक्ट, आप अपना एनआरसी पर जिस देश में 500 रुपया लेखपाल एक सर्टिफिकेट, मतलब जिंदा आदमी को जिंदा और मुर्दा आदमी को मुर्दा लिखने का 500 रुपया घूस लेता है, वहां पे जहां नागरिकता साबित करने की बात आएगी वो तो मेरा घर बिछवा देगा नागरिकता के लिए, भ्रष्टाचार के चलते आप एनआरसी लागू ना हो, बिल्कुल एनआरसी एनपीआर और सीए ये सब गैर कानूनी है, 1600 करोड़ खर्च करके 6 साल टाइम दे करके और इतना टाइम वेस्ट करके इन्होंने क्या पाया आसाम के अंदर, आज इनको निकाल पा रहे 19 लाख लोग आज इनको उसी मजबूरी में आज सीए लाना पड़ा, तो जब आप कोई रिजल्ट नहीं दे सकते तो आप विकास की बात कीजिए। वाजिल जी कहीं मेरे पे बायस टैंकर होने का कहीं वो ना लग जाए, इसीलिए मैं पूरा मौका दूंगी फैज खान जी को, बट बशर्ते शर्त इतनी है कि आप मेरे पे पर्सनल टिप्पणियां ना करें, आप ये ना कहें कि अध्ययन ना कर नहीं करके आए, अध्ययन हम करके आए, आप अपना अध्ययन दीजिए, मेरे अध्ययन पे बात कीजिए, आप अपने अध्ययन पे बात कीजिए, मेरे अध्ययन पे बात मत, मैं तो बता रहा हूँ ना साहब गांधी वाले, आप मुझे बताइए गांधी के अध्ययन पे आया जाता है, अरे आप गांधी अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, आपने क्या कहा, हम तो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की नीतियों से छूट है, इसमें सांप्रदायिकता है, आप क्या कह रहे हैं, हाँ नहीं करेगा सरकार का काम क्या है कि हाँ कानून बनाए, आप भाजपा